दोस्तों, आज की प्यारी सी शिक्षा प्रद कहानी का नाम है मूर्ख कुत्ते की कहानी, ए फूलिश डॉग स्टोरी इन हिंदी। दोस्तों, एक किसान के पास कई गायें और कई बैल थे। गायों का उपयोग वह दूध के लिए और बैलों का उपयोग खेती के लिए किया करता था। घर की रखवाली के लिए उसने एक कुत्ता अपने घर पर भी पाल रखा था। कुत्ता कई बार घूमता घूमता गौशाले में जाता और वहां गायों को चारा खाते हुए देखता था। एक दिन उसे गायों को परेशान करने की सूझी और वह उनके खाने के चारे के ढेर के ऊपर जाकर आराम से बैठ गया। गायों ने उसे अपने चारे के ऊपर से हटने के लिए कहा, लेकिन वह नहीं माना और गायों को चिढ़ाता ही रहा। तंग आकर गायों ने कुत्ते की शिकायत पास ही खड़े हुए एक बैल से कर दी। उस बैल ने आओ देखा ना ताओ और कुत्ते को जोर की ऐसी लात मारी कि उसकी तो हड्डी पसली ही एक हो गई। उस दिन के बाद वह कभी भी उस गौशाला की ओर नहीं गया। दोस्तों, कहानी से सीख, अपने काम से काम रखना चाहिए। दोस्तों, यह मूर्ख कुत्ते की कहानी पसंद आने पर आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।